बना रहे हैं टमाटर की चटनी। मैंने एक पैन में ऑयल ऑलरेडी डाल दी है, लाइक आई हैव टेकन 4 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। अब मैं इसमें डालूँगी चॉप स्लाइस किया हुआ गार्लिक एंड 2 स्टिक ऑफ कड़ी पत्ता। इसे हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसी में मैं डालूंगी थोड़ी सी मस्टर्ड राई। एक टी स्पून जीरा। तो मिक्स करेंगे। पिंच ऑफ हींग। एंड 3 स्लाइस ऑफ ऑनियन। ये छोटे अनियन हैं तो मैंने 3 लिया है, नहीं तो आप एक भी लेंगे तो चलेगा। फ्राई करेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ओनली पिंकिश कलर करना है। ये हमारे जब तक पिंक होते हैं मैं आपको बताती हूँ उसके बाद क्या डालना है। उसके बाद ये है टमाटर, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून एंड सॉल्ट टू टेस्ट, एंड मैगी क्यूब लिया है मैंने 2, वो भी डालना है ये वाले इसी में। और ये टमाटर कुछ 8 टमाटोज हैं। ये पिंक कलर के हो गए। अब हम इसमें हमारे टमाटो और सारे मसाले डाल देंगे। और इसे सॉफ्ट होने तक हम अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे हम स्लो गैस पे ढक्कन लगा के जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं होते हम इसे रख दें। ये देखिए हमारे टमाटर ऑलमोस्ट गल चुके हैं। इसको करीबन 8 to 10 मिनट्स लगे गलने में। हमें इसे एकदम गलाना है और आप ये स्पैचुला की मदद से इसको ऐसे प्रेस कर करके सारे टमाटर को प्रेस कर लीजिए। बस और 5 मिनट में टमाटर की चटनी रेडी हो जाएगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये रेडी हो चुकी है एकदम। एकदम डन हो गई है वो। इसे एकदम मशी करना है, एकदम ही टमाटो को गला लेना है। ये बहुत हम इसे फ्रिज में 1 हफ्ते तक रख सकते हैं और खा सकते हैं। इसे इंजॉय कीजिए दाल चावल के साथ एंड पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए हमारी टमाटर की चटनी बन के तैयार हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो।